हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एक बार आपका फिर से अपने चैनल ओशन टेक्निकल गुरुजी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मर्चेंट नेवी के अंदर सैलरी कितनी होती है, इंडिया में कितनी होती है और आउट ऑफ कंट्री कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ मर्चेंट नेवी की सैलरी के बारे में जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंडिया की। फ्रेंड्स, इंडिया में क्या होता है कि सैलरी का सिस्टम ऐसा है कि मतलब डिपेंड ऑन कंपनी है और डिपेंड ऑन शिप है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि पोस्टल के अंदर छोटे शिप काम करते हैं, तो मतलब छोटे शिप रहेंगे और कंपनी भी इंडिया में मतलब कम छोटी है तो उनमें सैलरी भी कम रहती है। इंडिया में यदि आप हार्बर में काम करते हो तो आपकी सैलरी 8,000, 10,000, 12,000 के समथिंग रहेगी। और यदि मेन फील्ड में भी काम करते हो तो शायद 16,000, 18,000 समथिंग आपकी सैलरी रहेगी। इंडिया के अंदर इतनी सैलरी से ज़्यादा सैलरी आपकी नहीं होगी। और इंडिया के अंदर आपका जब प्रमोशन होता है, जब आप ओएस से एबी बन जाते हो और वाइपर से ओएलर बन जाते हो, फिर भी आपका सैलरी समथिंग 25,000, 20,000 इतना ही रहेगा, ज़्यादा नहीं होता है। तो इंडिया के अंदर सैलरी बहुत कम है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप मैन फील्ड ज्वाइन करें और बड़े शिपों में जाए, बढ़िया कंपनी देखें। अब फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ कि मैन फील्ड की, जो मतलब मर्चेंट नेवी किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चलते हैं उनकी बात करता हूँ। फ्रेंड्स, उनमें भी डिपेंड ऑन कंपनी है, डिपेंड ऑन शिप सैलरी होती है। मैं आपको बता दूं कि यदि आप बाहर काम करते हो तो कंपनियाँ दो टाइप की होती है। जैसे मतलब एक कंपनी होती है आरपीएसएल, एक होती है आईटीएम। आरपीएसएल कंपनी के अंदर सैलरी रहती है आपकी 300 से $600, चाहे आप ओएस हो चाहे वाइपर हो, तो आपकी सैलरी इतनी रहती है, ठीक है। और जब आपका 2 साल बाद प्रमोशन होता है, जब आपकी वाची भी निकल जाती है, जब आप एफ बी ओएलर बन जाते हो, तो आपकी सैलरी समथिंग $600 से $1,200 के बीच में रहती है। कुछ कंपनियाँ 600 देती है, कुछ कंपनियाँ $800 भी देती है, कुछ कंपनियाँ $1,000 भी देती है। तो मतलब आपका प्रमोशन होने के बाद आरपीएसएल कंपनी में आपकी इतनी सैलरी रहती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ आईटीएफ कंपनी की। फ्रेंड्स, जब आप आईटीएफ कंपनी में पहली बार जाते हो तो आपकी मिनिमम सैलरी समथिंग रहती है $500। कुछ कंपनी $600 भी देती है, कुछ $550 आपकी मिनिमम सैलरी रहती है। जब आपका 2 साल बाद प्रमोशन होता है, जब आप एबी या ओइलर बन जाते हो, तो आईटीएफ कंपनी के अंदर सैलरी रहती है आपकी $1,200, $1,400। मतलब आपका प्रमोशन होने पर आईटीएफ कंपनी में सैलरी बढ़ जाती है। और आगे भी फ्रेंड्स, मतलब जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। कि डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस है इसमें सैलरी, डिपेंड ऑन कंपनी है, डिपेंड ऑन शिप है, शिप कितना बड़ा है कितना छोटा है उस पर डिपेंड करता है। और कंपनी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है और कौन सी कंपनी है, आईटीएफ कंपनी है या आरपीएसएल कंपनी है, उस पर डिपेंड करता है। आईटीएफ कंपनी की बात करूँ कि मैं मतलब इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 40,000 से सैलरी स्टार्ट होती है और समथिंग 2 साल बाद आपकी 1 लाख प्लस हो जाती है, क्योंकि आईटीएफ कंपनी में सैलरी ज़्यादा होती है, आरपीएसएल में आईटीएफ की बजाय कम सैलरी होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मतलब आप आईटीएफ कंपनी ज्वाइन करिए, आप आरपीएसएल भी ज्वाइन करो, क्योंकि आपको पता है कि आईटीएफ कंपनी जो इतनी ज़्यादा सैलरी देती है उनमें सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो फ्रेशर को बहुत ही कम चांस मिल लेती है। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। यदि हमें मतलब कई बार मिल जाती है, कई बार मतलब किसी अपना कोई रिलेटिव है, दोस्त है, मतलब फैमिली रिलेशन कोई भी हो तो अपना हो जाता है, तो भाई बहुत ही बढ़िया बात है। बाकी आईटीएफ कंपनी में फ्रेशर का मुश्किल है, लेकिन आरपीएसएल में हो जाता है। आगे का फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि मैंने बोल दिया है कि आगे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी सैलरी रहती है। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। और सैलरी भी डिपेंड ऑन कंपनी है, वो मैंने आपको बता दिया है कि आरपीएसएल की अलग है और आईटीएफ की अलग है, और कुछ आरपीएसएल मतलब मीडियम साइज की होगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैंने सैलरी का बता दिया है, सैलरी मर्चेंट नेवी में बहुत होती है, उसके हिसाब से काम होता है, काम ज़्यादा नहीं होता लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए ओशन टेक्निकल गुरुजी पर। थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप मेरे को उस पर मैसेज कीजिए। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, आप उस पर मैसेज कीजिए। कोई भी डाउट हो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। वीडियो पहले आप वीडियो देखिए और उसके बाद आप मेरे को मैसेज कीजिए, जो भी डाउट है वो मैं क्लियर करूँगा, लेकिन पहले वीडियो देखिए। कुछ फ्रेंड्स क्या करते हैं, मेरे को ऐसे मैसेज करते हैं कि वो मतलब वीडियो नहीं देखते हैं, सीधा मेरे से क्वेश्चन करते हैं। मैंने बोला है भाई पहले आप वीडियो जाके देखो और जो समझ में नहीं आए, जिसका आपको डाउट है वो आप मेरे को बताओ, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा या उस पर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा।
yeah.